दोस्तों यहाँ पर 20 नवंबर को इंडिया में रियलमी का लॉन्च इवेंट है और बहुत सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च करने जा रहा है रियलमी। और उस लॉन्च में रियलमी अपना नया फ़ोन रियलमी X2 प्रो भी लॉन्च करने जा रहा है। और रियलमी X2 प्रो के बारे में मार्केट में बहुत सारी हवाएं फैली हुई है कि फ्लैगशिप किलर है, बेस्ट गेमिंग स्मार्टफोन है और भी बहुत कुछ फैला हुआ है। लेकिन दोस्तों मैंने जहाँ तक देखा कहीं पर उसके प्रॉब्लम्स नहीं बताए जा रहे हैं कि लॉन्च होगा तो किस प्रॉब्लम्स के साथ आएगा। तो दोस्तों मैंने उसमें थोड़े से प्रॉब्लम्स ढूंढ ली हैं रियलमी X2 प्रो में, जो शायद लॉन्च हो सकता है तो उसमें प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगे। ज़्यादा प्रॉब्लम्स तो नहीं है लेकिन थोड़े बहुत मैंने ढूंढ लिए हैं अपने हिसाब से। तो आपके लिए थोड़े भी हों तो बहुत जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फ़ोन लेने के लिए पहले उसके बारे में सब डिटेल्स जानना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों मैं आज रियलमी X2 प्रो के प्रॉब्लम्स बताने वाला हूँ जो शायद हो सकते हैं अगर इंडिया में वैसे ही चाइना की तरह लॉन्च होता है तो। तो दोस्तों वीडियो का स्टार्ट करेंगे। चैनल पर नया है सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए। लेट्स बिगिन द वीडियो। सबसे पहला प्रॉब्लम है डिज़ाइन। तो रियलमी अपने नए नए डिज़ाइन के बारे में जाना जाता है, जैसे डायमंड कट और बहुत सारे डिज़ाइन वो लाता रहता है नए नए। इसकी वजह से यूज़र्स उससे ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन दोस्तों जनरली वो यूज़ करता है पॉलीकार्बोनेट का बैग, लेकिन रियलमी X2 प्रो में आपको देखने को मिलेगा ग्लास का बैग जिसकी डिज़ाइन इतनी अट्रैक्टिव नहीं है, जिसके रियलमी जाना जाता है डायमंड कट वगैरह के लिए। पीछे आपको प्लेन ग्लास सरफेस मिलेगा और कुछ माइन्यूट सी डिज़ाइन देखने को मिलेगी, बस वो इतनी अट्रैक्टिव नहीं है। तो ये है इसका पहला प्रॉब्लम। अगर आप अट्रैक्टिव देखने के लिए फ़ोन ले रहे हैं तो ये रियलमी X2 प्रो आपके लिए नहीं है, यानी इसमें डिज़ाइन आपको उतना अच्छा देखने को मिलेगा नहीं। दोस्तों दूसरा प्रॉब्लम है इसके वेरिएंट्स। दोस्तों आप और मेरी तरह जो बजट फ़ोन के लिए वेट कर रहे हैं रियलमी X2 प्रो के लिए, तो इस फ़ोन को भूल जाइएगा, क्योंकि ये फ़ोन आपके लिए बिल्कुल नहीं होने वाला है अगर आपका बजट 10 से 15 हज़ार है। जैसे कि आपने सुना है कि ये फ्लैगशिप फ़ोन होने वाला है, तो इसमें आपको नॉर्मल हमारे जैसे यूज़र की चॉइसेस नहीं मिलेगी, जैसे 4 GB रैम, 3 GB रैम, 2 GB रैम, वैसी आपको चॉइसेस नहीं देखने को मिलेगी। इसमें आपको फ्लैगशिप चॉइसेस जैसे 664 GB वाला वेरिएंट देखने को मिलेगा और 8 128 GB वाला वेरिएंट देखने को मिलेगा, और साथ में 12 256 GB वाला भी वेरिएंट आपको देखने को मिलेगा। तो ये सिर्फ बड़े बड़े जैसे फ़ोन यूज़र्स जिसकी बहुत हाई यूजेज है, जैसे गेमर्स के लिए फ़ोन है, तो नॉर्मल यूज़र्स के लिए आपको थोड़ा ये भारी पड़ेगा फ़ोन और आपकी चॉइस के अंदर नहीं आएगा। साथ में अगली प्रॉब्लम मैं बताऊँगा कि ये बजट में भी नहीं आएगा। दोस्तों तीसरी प्रॉब्लम है इसका बजट। तो मैंने आपको पहले भी बोला कि ये हमारे नॉर्मल बजट वालों के लिए नहीं है, ये फ्लैगशिप फ़ोन होने वाला है तो ये आपको थोड़ा सा महंगा पड़ने वाला है, क्योंकि इसकी प्राइस K20 Pro से भी ज़्यादा होने वाली है। और एक्सपेक्टेड प्राइस जो इसकी लॉन्च होने की है वो 664 GB वाले की है 27,000, 8 128 GB वाले की है 29,000 और 12 256 GB वाले की है 32,000। तो दोस्तों रियलमी भी यहाँ पर फ्लैगशिप मार्केट में उतर गया है, तो इस फ़ोन को आप हम नॉर्मल यूज़र्स के लिए तो आप बिल्कुल लायक नहीं समझिए, क्योंकि इतना कोई अफोर्ड कर नहीं पाएगा 27,000 32,000। इससे अच्छा 10,000 डाल के वन प्लस आ जाएगा, वो लेना सही। लेकिन फ्लैगशिप फ़ोन अगर आप सोच रहे हैं इस लेने की ये बजट में आएगा, तो आप गलत हैं, ये बजट में नहीं आएगा, ये बहुत महंगा आएगा 27 से 32,000 के बीच में। तो ये था इसका तीसरा डिसएडवांटेज। और दोस्तों चौथे डिसएडवांटेज की बात करें तो उसमें आपको 4000 mAh की बैटरी देखने को मिलेगी 50 W के फास्ट चार्जिंग के सपोर्ट के साथ। तो यहाँ पर इतनी धूम मची हुई है, 50 W का फास्ट चार्जिंग मिलेगा, आधे घंटे में 80% हो जाएगी। लेकिन मेरे भाई एक बात तो सुनो, बैटरी बैकअप तो होना चाहिए ना उसका। 4000 mAh की बैटरी है तो उसमें हमको कितना पता कितनी चार्जिंग चलेगी। भले ही फास्ट चार्जिंग हो जाती है लेकिन कम चार्जिंग चलेगी तो उसका मतलब क्या? 4000 mAh की बैटरी इतनी कम है, ये 5000 mAh की बैटरी दी होती तो और भी अच्छा होता। तो बैटरी के मामले में भले कि फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है लेकिन बैटरी बैकअप का अभी तक किसको पता नहीं कितनी चलेगी। मेन तो वही है लेकिन सब फास्ट चार्जिंग को पकड़ के बैठे। दोस्तों अगली इसकी प्रॉब्लम है, इसमें शायद आपको डेडिकेटेड SD कार्ड का स्लॉट देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि चाइना में जो वेरियंट लॉन्च हुआ है उसमें ऐसा ही है कि 2 SIM का सपोर्ट है, साथ में डेडिकेटेड SD कार्ड का स्लॉट नहीं है। हालांकि दोस्तों इसमें इतनी स्टोरेज मिलती है, 6 GB रैम इसका बेस वेरिएंट है, लेकिन दोस्तों तो भी किसी को ज़्यादा चाहिए हो एक्सटर्नल स्टोरेज तो उसके लिए डेडिकेटेड SD कार्ड स्लॉट रखना चाहिए था, जो शायद नहीं होगा इंडियन वेरियंट में भी। तो दोस्तों ये बहुत ही ख़राब बात है कि डेडिकेटेड SD कार्ड का स्लॉट नहीं रखा है।
रखना चाहिए था, अच्छा होता अगर रखते तो। तो दोस्तों यही थे रियलमी एक्स टू प्रो के प्रॉब्लम्स जो मुझे लगे, मैंने आपको थोड़े ढूंढ के निकाले, थोड़े माइन्यूट से प्रॉब्लम्स थे लेकिन आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी था। तो बस यही था इस वीडियो में, अच्छी लगी हो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, और इस वीडियो को जो रियलमी एक्स टू प्रो वाले लेने के सोच रहे हैं उसे शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।